नमस्कार बच्चों, टुडे वी विल स्टार्ट विद ज्योग्राफी एंड इन ज्योग्राफी वी विल स्टार्ट विद द चैप्टर नंबर 1, इंडिया साइज एंड लोकेशन. ओके, सो इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट इंडिया एंड देयर वी विल लर्न और स्टडी अबाउट द साइज एंड देयर इट्स लोकेशन. ओके, हियर यू कैन सी वेयर वी आर लोकेटेड ऑन दिस ग्लोब. नाउ first we will learn about the latitude and the longitude. Okay, see these standing lines which is joining northern pole to southern pole. This standing line is called as longitude. Okay, so longitudes are also known as meridians. Longitudes ko hum meridians bhi keh sakte hain. Okay, now whereas the sleeping lines, jo ye jo sleeping lines hain, लेटी हुई जो रेखाएं हैं, दीज आर कॉल्ड एज लैटिट्यूड्स. लैटिट्यूड इज ऑल्सो नोन एज पैरेलल लाइंस. ओके, सो ये जो हमने दो चीज़ें पढ़ी, वी हैव लर्न्ड अबाउट टू थिंग्स, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड. एंड व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ द लॉन्गिट्यूड? मेरिडियन. वेयर एज व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ लैटिट्यूड? इट इज कॉल्ड एज पैरेलल लाइंस. तो ये जो पैरेलल लाइंस और मेरिडियंस एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, तो ये क्या फॉर्म करती हैं? दीज आर फॉर्मिंग द ग्रिड. Okay, here you can see that where the grid is written on the screen. अब देखिए, how many total meridians are there? 180 plus 180, it means total 360 meridians are there. तो जो हमने meridians का जो starting line माना है, that is prime meridian. माने एक ऐसी line को starting line मानना पड़ेगा जिससे कि शुरुआत होगी इन lines की. तो जिसको हमने स्टार्टिंग लाइन माना है, दैट इज कॉल्ड एज प्राइम मेरिडियन. नाउ विच लाइन बी कंसिडर्ड एज प्राइम मेरिडियन? विच इज पासिंग थ्रू द ग्रीनविच एरिया, विच इज नियर द लंडन. ओके, तो यानी प्राइम मेरिडियन वो लाइन है जो कि ग्रीनविच एरिया से होते हुए जाती है और लंडन के पास से होते हुए जाती है. ठीक है, तो उसको प्राइम मेरिडियन माना है. तो प्राइम द राइट हैंड साइड ऑफ द प्राइम मेरिडियन इज कॉल्ड एज ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड एंड वेयर एज द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ प्राइम मेरिडियन इज नोन एज वेस्टर्न लॉन्गिट्यूड. तो टोटल लॉन्गिट्यूड्स कितने हैं? 360. नाउ हियर यू कैन सी ऑन दिस पिक्चर, यू कैन फाइंड नॉर्दर्न पोल एंड द सदर्न पोल. ओके, सो अर्थ टेक्स 4 मिनट्स टू रोटेट फ्रॉम वन लॉन्गिट्यूड टू अनदर. एक लॉन्गिट्यूड से दूसरे लॉन्गिट्यूड में जाने के लिए कितना टाइम लेती है अर्थ? 4 मिनट्स, 4 मिनट्स लगते हैं. ओके, अब आप देखिए, अर्थ जो है अपने एक्सिस पे क्या है? टिल्टेड है, झुकी हुई है. तो जो पार्ट अर्थ का, जो पार्ट, जो हिस्सा जो है अर्थ के सामने होता है, देयर यू कैन फाइंड द समर सीजन. जो थोड़ा सा दूर रहता है, दैट देयर यू कैन फाइंड द विंटर सीजन. सो दैट इज व्हाई इट ऑल हैपेंड. नाउ आपको मैंने अभी दो लाइंस के बारे में बताया. वी रेड अबाउट टू पैरल इम्पॉर्टेंट लाइंस, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स. अब लैटिट्यूड्स विच इज ऑल्सो नोन एज द पैरेलल लाइंस, देर आर 7 इम्पॉर्टेंट पैरेलल लाइंस. ठीक है, जो लैटिट्यूड जिसके बारे में मैंने बताया कि ये पैरेलल्स भी कहा जाता है, तो ऐसे कौन सी इम्पॉर्टेंट पैरेलल लाइंस हैं जिनको कि हमें जानना ज़रूरी है? फर्स्ट ऑफ ऑल देर आर नॉर्दर्न, वॉट आर दोज इम्पॉर्टेंट पैरेलल लाइन्स? फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज नॉर्दर्न पोल विच इज लाइंग एट 90 डिग्री नॉर्थ. ठीक है, नॉर्दर्न पोल है. उसके बाद इट का वॉट कम्स आफ्टर नॉर्दर्न पोल? आर्कटिक सर्किल विच लाइज 66 डिग्री एंड 30 मिनट्स नॉर्थ. आर्कटिक सर्किल 66 डिग्री 30 मिनट्स नॉर्थ में लोकेट करती है, सिटुएटेड है. फिर नेक्स्ट कम्स द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर विच लाइज ऑन 23 डिग्री 30 मिनट्स नॉर्थ. एंड द पैरेलल विच इज डिवाइडिंग द अर्थ इनटू टू इक्वल हाफ्स और टू इक्वल पार्ट्स, जो स्टार्टिंग, जिसको कि स्टार्टिंग लाइन भी कंसिडर किया जाता है, जो कि अर्थ को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, विच इज नोन एज इक्वेटर. इट लाइज ऑन 0 डिग्री, क्योंकि इसे हमने स्टार्टिंग लाइन माना है, तो इट लाइज ऑन 0 डिग्री. नेक्स्ट वन इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. अगेन द डिग्री ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन आर सेम, बट इज लाइज इन डिफरेंट हेमिस्फेयर. सो दैट इज वाई ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन लाइज ऑन 23 डिग्री 30 मिनट साउथ, वेयर एज अंटार्कटिक सर्किल लाइज ऑन 66 डिग्री 30 मिनट साउथ. एंड द लास्ट इम्पॉर्टेंट पैरेलल लाइन विच इज साउथ पोल. सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट पैरेलल लाइन, 7 इम्पॉर्टेंट पैरेलल लाइन्स. गॉट इट?
we can divide these by these important parallel line, we can divide the earth in different zones also. The area or the region which lies between Tropic of Cancer and the Tropic of Capricorn, इसके बीच वाला जो area है उसे torrid zone में रखा जाता है. Whereas the region which lies between Tropic of Capricorn and the Antarctic Circle, it is known as temperate zone. And the area or the region which lies between the Antarctic Circle and the Southern Pole, it is called as frigid zone. तो ये जो नॉर्दर्न पोल और सदर्न पोल के पास जो वाले एरिया है, दीज कम्स अंडर द फ्रिजिड जोन. उनके बाद जो सब ट्रॉपिकल एरियाज हैं, चाहे वो सदर्न पोल के हों चाहे नॉर्दर्न पोल के हों, दीज कम्स अंडर द टेम्परेट जोन. और द इक्वेटोरियल जोन जो है, ट्रॉपिकल जोन जो है, इन्हें टॉरिड जोन की कैटेगरी में रखा गया है. ओके, हियर यू कैन सी देयर दिस ऑन द पिक्चर दैट इंडिया, आपको यहाँ पे भारत दिख रहा है, भारत का मैप दिख रहा है. हियर यू कैन सी द मैप ऑफ इंडिया. विच लाइन इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ आर कंट्री, दैट इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, राइट. तो इसके नीचे, इंडिया के नीचे देखो कौन सा इंपॉर्टेंट पैरेलल लाइन है, इक्वेटर, ठीक है. तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है इंडिया को दो इक्वल हाफ्स में, ऑलमोस्ट टू इक्वल हाफ्स में डिवाइड करता है. सो द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो इसका ऊपर वाला हिस्सा है इंडिया का, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर वाला हिस्सा, इट्स कम्स इन द सब ट्रॉपिकल रीजन, ये सब ट्रॉपिकल रीजन में आता है. वेयर एज द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे वाला जो जोन है या एरिया जो है, इट कम्स अंडर द इन द ट्रॉपिकल एरिया. ओके, ट्रॉपिकल जोन, ये ट्रॉपिकल जोन में आता है, इसीलिए यहाँ पे क्लाइमेट मॉडरेट रहता है. Whereas जो नॉर्दर्न पार्ट है, यहाँ पे क्लाइमेट एक्सट्रीम रहता है. एक्सट्रीम मीन्स ठंड में बहुत ठंड पड़ती है, गर्मी में बहुत गर्मी पड़ती है. वहीं सदर्न पार्ट जो है, जो कि ट्रॉपिकल जोन में आता है, यहाँ क्लाइमेट कैसा रहता है, मॉडरेट, ना ज़्यादा गर्म रहता है और ना ही ज़्यादा ठंडा रहता है. ओके, ऑल दिस हैपन्स बिकॉज ऑफ दिस इंपॉर्टेंट पैरेलल लाइंस वेयर वी आर लाइंग. तो इससे ये समझ में आ गया कि हमारे यहाँ का क्लाइमेटिक कंडीशन कैसा होगा. सेकेंड वन, जो भी हम लाइन्स पढ़ रहे हैं, ऑल दीज लाइन्स आर इमेजिनरी लाइन्स. नाउ नेक्स्ट, एज आई टोल्ड यू अर्लियर ओनली, दीज आर द इम्पॉर्टेंट पैरेलल लाइन्स, ये मेजर इम्पॉर्टेंट पैरेलल लाइन्स हैं. और वी कैन से दीज आर द मेजर लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड, नॉर्दर्न पोल, आर्कटिक सर्किल, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, अंटार्कटिक सर्किल एंड सदर्न पोल. ओके, सो हियर यू कैन सी थ्रू दिस पिक्चर दिस इक्वेटर विच इज लाइंग इन द सेंटर of the earth, it divides the earth into two equal halves. ये दो equal halves में divide करता है equator. For upper part is known as the northern hemisphere, whereas the lower part is known as the southern hemisphere. Now, in this diagram, you can see the standing lines which is joining northern, these line joining the northern pole to southern pole. ठीक है, north pole to south pole. तो ये जो लाइंस हैं, जो कि नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर जा रही हैं या जुड़ रही हैं, दीज लाइंस आर कॉल्ड एज लॉन्गिट्यूड, विच इज़ आल्सो नोन एज मेरिडियंस, राइट. तो ये जो मेरिडियंस हैं या ये जो लॉन्गिट्यूड्स हैं, इनका स्टार्टिंग लाइन किसे कंसिडर किया है, जो कि ग्रीनविच एरिया से जा रहा है. ग्रीनविच एरिया विच इज़ नियर टू द लंडन, लंडन के पास वाला एरिया है ग्रीनविच, वहाँ से जो लाइन जा रही है उसे हमने स्टार्टिंग लाइन कंसिडर किया है. Which is called, अब जैसे latitude में starting line को equator कहा जाता था, here the starting line is known as prime meridian. वैसे जितने भी lines उन्हें meridians कहते हैं, लेकिन जो starting line है, जिसे 0 degree category में रखा गया है, 0 से शुरुआत होती है ना numbers की, तो 0 degree जिसे माना है वो है prime meridian. Okay? Prime meridian की जो right hand side है, all those longitudes comes under eastern hemisphere. जितने भी राइट हैंड साइड में जितने भी मेरिडियंस हैं या लॉन्गिट्यूड्स हैं, दैट कम्स अंडर द ईस्टर्न हेमिस्फीयर, वेयर एज द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द लॉन्गिट्यूड प्राइम मेरिडियन इज कंसिडर्ड एज वेस्टर्न हेमिस्फीयर. तो आपने देखा है कि हमारा जो लॉन्गिट्यूड है वो ईस्टर्न है और लैटिट्यूड जो है वो नॉर्दर्न है. सो दिस शोज दैट वी आर लाइंग इन नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर. तो हम दोनों से हमें क्या पता चलता है कि इंडिया कहाँ लोकेट करता है, नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में. International date line. According to this international date line only, we calculate the dates. ठीक है, इसी line के basis पे हम dates calculate करते हैं. अब किस longitude को हमने international date consider किया है, तो जो prime meridian है, जो starting line है,
अगर उसके उस तरफ जस्ट अपोजिट उस तरफ ग्लोब के या अर्थ के इस तरफ देखा जाए तो जो 180 डिग्री जो लाइन है, ठीक है, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड के राइट में 180 लाइंस हैं और प्राइम मेरिडियन के लेफ्ट में भी 180 हैं, तो टोटल कितने लाइंस हैं लॉन्गिट्यूड, 360 है। वहीं लैटिट्यूड में इक्वेटर के ऊपर 90 लाइंस हैं और इक्वेटर के नीचे 90 लैटिट्यूड्स हैं, तो टोटल कितने लैटिट्यूड्स हुए, 180। ओके, तो लॉन्गिट्यूड का जो 180 डिग्री पे जो लाइन है इसको इंटरनेशनल डेट लाइन कंसिडर किया गया है। ओके, नाउ दिस इंटरनेशनल डेट लाइन, दिस वन इज ऑल्सो इमेजनरी लाइन, अर्थ के ऊपर ऐसी कोई लाइन नहीं है, ये सारी लाइन्स जो हम स्टडी कर रहे हैं ये सारी इमेजनरी बेसिस पे है, ठीक है, काल्पनिक रेखाएं हैं। नेविगेशन ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ दैट रन्स फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, दीज लाइन्स आर रनिंग फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, तो ये जो डिमार्केटेड चेंज है ये मतलब कुछ जगह पे चेंजेस किए गए हैं, मतलब बिल्कुल स्ट्रेट लाइन नहीं है ये। इट पासिस थ्रू द मिडल ऑफ द पैसिफिक ओशन, ये कहाँ से गुजर रही है, पैसिफिक ओशियन, रफली फॉलोइंग द 180 डिग्री लाइन ऑफ द लॉन्गिट्यूड, 180 डिग्री लाइन कंसिडर किया गया, बट डेविएटिंग टू पास अराउंड सम टेरिटरीज एंड आइलैंड ग्रुप्स, कुछ जगहों पे ये टिल्टेड है, डेविएटेड है। नाउ हियर यू कैन सी दिस इन द ईस्टर्न हेमिस्फेयर देर आर 180 लॉन्गिट्यूड, ईस्टर्न हेमिस्फेयर में भी 180 है, वेस्टर्न हेमिस्फेयर में भी 180 है, दिस शोज दैट हाउ मच लॉन्गिट्यूड्स और मेरिडियंस आर देयर, टोटल 360। ओके, एंड अर्थ टेक्स 4 मिनट्स टू पास वन लॉन्गिट्यूड टू अनदर, एक तो टोटल कितने लॉन्गिट्यूड हुए 360 और इनको कितना टाइम लगता है एक लॉन्गिट्यूड से दूसरे लॉन्गिट्यूड में जाने में, 4 मिनट्स, तो टोटल कितने मिनट्स हो गए, 1440 मिनट्स। सो एक आर में 60 मिनट्स होते हैं, तो दिस व्हेन वी डिवाइड 1440 मिनट्स टू 60 मिनट्स, तो 60 मिनट्स से डिवाइड करने पर कितने आवर्स मिलते हैं हमें, 24 आवर्स। तो वॉट इट शोज, दिस शोज दैट अर्थ टेक्स 24 आवर्स टू कम्प्लीट वन रोटेशन, इससे क्या पता चलता है कि अर्थ को एक चक्कर काटने में कितने घंटे लगते हैं, 24 आवर्स। हियर यू कैन सी द लोकेशन ऑफ आर कंट्री, आपको दिखाई दे रहा है इंडिया कहाँ लोकेट कर रहा है, सेंट्रल लोकेशन है, लोकेशन ऑफ इंडिया ये देखिए 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के हमारा जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन है वो ईस्ट जो है वो लॉन्गिट्यूड में ही आएगा, ईस्ट या वेस्ट तो लॉन्गिट्यूड को बताता है, वेयर एज नॉर्थ एंड साउथ इंडिकेटिंग टूवर्ड्स द लैटिट्यूड, अगर नॉर्थ साउथ लिखा है तो वो लैटिट्यूड बता रहा है। तो देखिए 68.7 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट पे ये गुजरात से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट तक ये अरुणाचल प्रदेश तक है। ओके, ये जो एक्सटेंशन है ये इसका लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन है, वेयर एज लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन 8 डिग्री कन्याकुमारी से 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ से लेकर, लैंडमास की बात करें तो 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ तक है इसका लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन। हियर यू कैन सी हाउ मच एरिया इट इज कवरिंग, दीज लॉन्गिट्यूडनल डिविजन कवर्स, अगर लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन देखें गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक, सो इट इज़ कवरिंग 2933 किलोमीटर्स, वेयर एज कन्याकुमारी से लेकर जम्मू एंड कश्मीर तक इसका एक्सटेंशन देखें लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन, दिस शोज दैट इट इज़ कवरिंग 3214 किलोमीटर्स। ओके, नाउ वी विल टॉक अबाउट द साइज ऑफ इंडिया, अब हम इंडिया के साइज के बारे में बात करेंगे, हाउ मच टोटल लैंड मास वी आर हैविंग 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स। ओके, एंड हाउ मच परसेंटेज वी कवर 22.4% एरिया, टोटल एरिया, ठीक है, पूरे वर्ल्ड में हम कितना एरिया कवर करते हैं, 2.4 एरिया। नाउ अगर टोटल उसकी देखें तो 510.072 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर लैंड एरिया इंडिया का, and 148.94 million square kilometer water, whereas the 361.132 million square kilometer 70.9% of the world's surface is water, whereas the 29.1% is land, इतना area पानी में covered है पूरा land का, और यहाँ पे इतना जो है 29.1% ये land area cover करता है,
70.9 तो वाटर कवर कर रहा है इसका, 29.1 लैंड का. हियर यू कैन सी थ्रू दिस पाई चार्ट इंडियाज टोटल एरिया अकाउंट्स फॉर अबाउट 2.4%. सिर्फ इतना से एरिया जो है, रेड मार्केटेड एरिया जो है, इतना एरिया ही इंडिया कवर करता है पूरे वर्ल्ड से. 2.4% ऑफ द टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ द वर्ल्ड. Now, in next topic, we will learn about the boundaries of India.